कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। काम हो गया, कपड़े सुखाने जा रही थी पर मैंने बोला पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ, फिर उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं और मैं इनके लिए जा रही हूँ दूध गर्म करने के लिए और ढेर सारे कपड़े तय करने के लिए रखा और मुझे जाना मकान पे। मकान पे जाना है, पहले कर लूँ उनको दूध गर्म। फ्रीज बंद हो गया, अच्छा मैंने ये बंद किया था ना, ये ग्रीन लाइट जलाई थी ना तो इसके चक्कर में, वो इंस्टाग्राम के लिए मैंने रील्स बनाई थी, अगर आप लोग देखना चाहते तो इंस्टाग्राम पे चालू है, इंस्टाग्राम के लिए प्रीति राघव 126 है और जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। दूध गर्म करती हूँ, बर्तन वर्तन सारा कुछ हो गया है, देखो बस दो तीन बर्तन मैगी बनाई थी वो खाई थी ना तो उसके बर्तन है। चलो मैं दूध गर्म करके चीनी मिला के इनको दे देती हूँ, फिर आप लोगों को काफ़ी दिन हो गए मकान पे नहीं लेके गई हूँ, चलो फिर चलते हैं। मैंने लाइनर भी लगाया है तो यहाँ पे सारे कपड़े जो भी हैं वो क्या तय करने थे, मैंने जैसे कि बताया बहुत सारे हो रखे हैं और ये मैंने सूट सिलाए थे, तीन सूट सिलाए थे मैंने आप लोगों को दिखाए तो मैंने ये पहन भी लिए हैं, पर मैं अभी कुछ ज़्यादा मोटी हो गई हूँ तो सूट टाइट आ रहे, जो है वो सच है तो सच है, सच छुपाना नहीं चाहिए। मोटी कुछ ज़्यादा हो गई हूँ, मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी मुझे पता है, तो यहाँ पर ये सारे कपड़े तय करके रख दूँगी। काम कपड़े रोज़ के रोज़ धोती हूँ ना तो रोज़ के रोज़ तय कर दो तो इतने इकट्ठे नहीं होते, पर मेरे कुछ ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए हैं तो इनके सोना की जगह और वंशिका मुझे तार पे से और देती जा रही है कपड़े उतार उतार के, तो उन सबको तय करके रख दूँगी। और जब तक ये मैंने इनको फ़ोन किया था ये भी आ जाएंगे, और पता है एक घर एक मकान चप्पल घिसा देता है, घर और मकान एक ही होता है, चप्पल घिस जाती, इतना सारा वो होता है और शहर में रह के बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल। हम पता है क्या सोच रहे थे कि अब लेंटर पड़ गया तो सब कुछ फ्री हो गया, फिर हमने सोचा पलस्तर हो गया तो हम फ्री हो गए, पर पता है जो बनता है लेंटर पड़ता है पलस्तर होता है वो कुछ भी चीज़ें नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी, गेट लगवाना ये करवाना वो करवाना ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। ये भागते भागते इतने परेशान हो गए हद से ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, कल तो बहुत ज़्यादा परेशान हो बोल दिए छोड़ दे मैं नहीं कर रहा ऐसे हो गया था, पर फिर वही है थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ, फिर आधे घंटे आराम करके सोच विचार करके फिर से अपने काम पे लग गए, यही होता रहता है, खुद से दिमाग को सही करना पड़ता है, पर ये है ना एक चीज़ को बार 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 करे तो तीन फेल हो जाए तो बुरा तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे तय हो गए, ये अलमारी में सेट कर दूँगी और देखिए एक तरफ तय कर रही हूँ एक तरफ हट वो खिसकते जा रहे गिरते जा रहे, छोटे छोटे कपड़े अलग रखो ना तो सेट रहते हैं बिगड़ते नहीं हैं, और मैं अपने सूट अलग रखती हूँ और जो मैंने कल बताया था रजाई पे और उस पर मुझे कवर रखने हैं वो कवर लगा के मैं इसके अंदर रजाइयाँ वगैरह रख दी हूँ, और ये जो कार्टून में सामान रखा है ये मैं इसको भी समेट दे रही हूँ, सारा मतलब घर मैंने खाली खाली कर दिया है, कवर चढ़ा दिया था पर मैं रजाइयाँ उठा के नहीं रखी थी तो मैंने आज उठा के रख दी हैं। आप सोचेंगे घर फैला क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कार्टून रखे थे सामान रखा हुआ था तो इसीलिए, बेड के अंदर इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि उस वाले कमरे में धूल मिट्टी बहुत आती है, और अभी आप लोगों ने देखा था मैंने कंबल सारा कुछ धो धो के मैंने रखा है, तो इसीलिए ये कार्टून को भी अब मैं इसमें जो सामान उनको टैप लगा के पैक कर दूंगी क्योंकि फैला हुआ पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं सारा समेट के फिर जो भी काम होगा वो करूँगी, और जो ख़राब है और मैं ये ना कार्टून फेंकना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि इसमें सामान पैक हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि बोरियाँ वगैरह तो है नहीं जो इसमें सामान सेट कर लें, ये कार्टून मैंने और कार्टून एक भी ख़राब नहीं है आप देख सकते सही हैं, तो इसीलिए मैंने कार्टून में सामान सेट कर देंगे टेप लगा के सेफ रहेगा, तो इसीलिए मैंने ये कार्टून रख रखे हैं तो साइड से कार्टून कर दिए हैं। और यहाँ पे बच्चों को मैं दूध दे रही हूँ और इनके लिए मैंने आटा गूंध के रख दिया है, हम लोगों ने मैगी बनाई थी मैगी खाई थी और रोटी खानी होगी रोटी भी खा लें थोड़ा, मुझे मैं और सोना वंशिका ने मैगी ले ली थी, और बच्चों को एक टाइम दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ, वंशिका दूध पीने में बहुत नखरे करती है, सोना पी लेती हैं, और इस बार की चीनी कुछ ज़्यादा ही मोटी दे दी है, फीकी मतलब इतनी मीठी नहीं है मोटी ज़्यादा है पर मीठी, ऐसा होता है क्या कि मुझे ही लगा है,
तो इनको दूध दे देती हूँ और फिर मैं अपना रोटी करने के लिए बैठ जाती हूँ। ये दूध पीते रहेंगे टीवी देखते देखते, और मैं अपना काम कर लूँगी। दूध थोड़ा सा फैल गया है, इसको मैं पोंछ देती हूँ। अन्न होता, अन्न देवता होता भाई, दूध का तो बहुत वो रखना होता है, तो ये बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे पी लेंगे। अच्छा फिर मैंने सोचा रोटी क्या पराठे बना ले, हम लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूली को कस लिया है, उसमें हरी मिर्ची भी घिया कस कर ली है, और सोना नहीं धनिए के पत्ते डाल के इसमें मसाले भी ऐड कर लूँगी, और करारे करारे से पराठे सेक के खाएंगे अचार के साथ। तो फटाफट से मैंने आटा गूंदा और रखा ही हुआ था, और हल्की हल्की मिर्ची, हल्के हल्के से मसाले डाले, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, फिर सोना खा नहीं पाएंगी इसीलिए। तो ये था, और इसका ना मैंने एक्स्ट्रा पानी है जो निकाल दिया, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। और ये देखिए पराठे मैंने बनाना स्टार्ट, क्योंकि मैंने शेयर किए तो जल्दी जल्दी ऐसे ही दिखा दिया है। देखिए करारे करारे फूले फूले, और मैं ना दो रोटी वाले पराठे बनाती हूँ, मुझे यही पसंद आते हैं। ना चकला बेलन ख़राब होता है, ना आपका पराठा टूटता है, ना कुछ होता है। आप लोग भी ऐसे ही बनाएं तो अच्छा रहेगा। एक साथ मैं दो रोटी को बेल लेती हूँ, देखिए मैंने दो रोटी एक साथ बेल ली है, एक को उधर रख दिया परोथल लगा के, एक रोटी को उधर रख दूँगी, और इसके ऊपर मूली का जो वो है उसको इस पे रख लूँगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं, और मैं चीज़ें वैसे बनाते तो फट जाता है, कोई कैसे हो जाता है, चकला बेलन गंदा, इसमें नहीं। ये देखिए एक, और एक साथ दो रोटी को बेल लीजिए, थोड़ा सा हाथ से करिए, और चकला बेलन से हल्के हल्के हाथों से, ये देखिए ना फटेंगे और फूले फूले करारे करारे। चाय से खाइए, अचार से खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये सिक गए हमारे पराठे, और ये भी करारे करारे। आप चाहे ज़्यादा करारे कर सकते हैं, कम करारे कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। मीटर फिर से टर्मिनेट कर दिया, पता नहीं वो क्या कहते, फेल कर दिया, बोल रहे हैं एड्रेस सही नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ज़िंदगी झंड कर रखी है, और आगे आगे भाग रहे हैं। रुक तो जाओ, तो फिर से जा रहे हैं वो कराने के लिए। एक बार इसको साफ करो, इतने सारे लफड़े होते हैं क्या मीटर अप्लाई करने के लिए? कितने, चार बार हमने करा दिया, चार बार करा दिया होगा, चार बार या तीन बार मीटर अप्लाई, क्या वो नहीं सुनेंगे आए, और वैसे मेल आ गया कि आपका मीटर फिर से जा रहा है। अब देखते हैं, और 10-15 दिन तो वैसे ही लगते हैं। चलिए पहले मैंने दिखाया था, अभी भी चलते हैं। 5 बजे का टाइम हो रहा, और आए वैसे ही हम लोग निकल दिए। इन सब चीज़ों में बड़े लफड़े होते हैं, एक आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। चलो चलते हैं फिर बताते हैं। वो रेल की जैसे भागे जा रहे हैं, इतनी अच्छी चिपकी है। तो ये देखिए साड़ियाँ कितनी अच्छी अच्छी लग रही हैं ना, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ की मार्केट साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी मुझे, और हम लेडीज साड़ी वगैरह कहीं भी देख ले तो बस हमें साड़ी पसंद ही आ जाती है। ये देखिए ये भी खड़े, ये आगे आगे भाग रहे हैं, इनकी इतनी जल्दी मैं नहीं चल सकती हूँ, कैसे भी नहीं चल सकती हूँ। और बस यहाँ पर हम लोग जाके, और अभी मैं दुकान दिखाऊँगी, और बस थोड़ा आज ना वीडियो कुछ ज़्यादा बन नहीं पाया थोड़ा बहुत ही, क्योंकि इधर से उधर रहे तो नहीं हो पाता है वीडियो बनते। तो ये हम दुकान पे आ गए फोटो वाले की, हमें ना उसके साइज का फोटो चाहिए। अरे नहीं, ये उसकी दुकान नहीं है जहाँ पे बिल क्या कहते सर्वे कैफे वाले होते हैं पता नहीं क्या। तो यहाँ पे हम उनको बोल रहे थे, भैया जो आपने मीटर अप्लाई किया था वो इस वजह से वो उन्होंने कर दिया है एड्रेस वगैरह के लिए। तो वो ये देख रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या कमी क्या, इनके समझ में नहीं आया था, फिर हमने दूसरों से करवाया था। तो यहाँ पे हम फ़ोटो खिंचाने के लिए आ गए हैं, मतलब पासपोर्ट साइज उसमें फ़ोटो लगेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये देखिए। अरे मतलब और यूट्यूबरों को देखती हूँ ना मैं फ़ोटो ये खिंचाते हुए, एक वो खिंचाते हुए ऐसे, तो वही मेरे भी फीलिंग आ रही जैसे मॉडलिंग कर नहीं रहे हो, तो इसी तरीके से भैया ने खींचे थे। तो मैं वीडियो बना रही थी, वो बोल रहे थे वीडियो क्यों बना रहे, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे डालेंगे। तो फिर उन्होंने मेरा चैनल इस पर चेक भी किया था, और देखिए इस तरीके की वीडियो किसी ने नहीं शेयर की होगी, देखिए कैसे फ़ोटो निकालते हैं, और कितनी गोरी लग रही हूँ मैं को। चलो मन में ये तसल्ली तो है, ऐसे तो गोरे हो ही गए। तो इस तरीके से हम लोग जैसे थंबनेल बनाते हैं ना, वैसे ये लोग फ़ोटो को भी एडिट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारा कुछ आप लोगों को दिखाया, ये देखिए कंप्यूटर पे लैपटॉप पे इस तरीके से कर लेते हैं। तो बस फ़ोटो खिंचाए, फिर उसमें फॉर्म में हमने फ़ोटो लगा के और इन उनको जमा करा दिए। देखिए सेव कर लेते हैं ये लोग इस तरीके से, ये देखिए छोटा बड़ा जितना भी करना हो, जूम वगैरह सब इस तरीके से कर लेते हैं। तो आज का दिन पूरा भागम भाग में बहुत बुरी तरह से रहा था। चलिए
आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। ये देखिए, इन्होंने मेरा चैनल सर्च किया, मैंने बताया था ना, तो ये देखिए ये फ़ोटो निकल के आ गए हैं और अच्छा लगता है। मैंने वो बोले कि आप बताना चाहिए सबको, मैंने बोला नहीं मैं किसी को नहीं बताती, आपने इतना पूछा क्यों बना रहे हो, क्या रीज़न है, तब मैंने इनको बताया था। और ये हमारे गेट की कुंदियाँ हैं, कुंदी हैं, कैसी लगी ये भी बताना। इन्होंने भेजा है व्हाट्सएप पे, बोल रहे थे वीडियो में ऐड क्लिप ऐड करना और पूछना सारे व्यूवर्स से, तो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। कुंदी लगाने का सारा सामान है और गेट हैं जो कि मैं कल की वीडियो में दिखा दूँगी। भागम भाग हो गई थी तो घर पर जा नहीं पाई थी मैं, तो बस। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ये थैली में ही है, झाड़ उठाई सारा, उसको झाड़ा है सारा, इस पे बिस्तर सोना नहीं, और यहाँ पर बहुत अच्छे क्या मोर 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 दिखा, वो देखो यहाँ बैठ जाती, यहाँ पर बहुत अच्छी हवा लगती, बहुत बहुत सारी खाट में धूल मिट्टी निकली है और इसकी ये चीज़ें बहुत ढीली हो गई हैं, ये ढीली हो गई हैं, ये आके टाइट करेंगे। मैंने बाहर रख दिया है, मैंने बोला वीडियो का एंड कर देती हुई नहीं, और मैं कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी, हाँ आप लोग पूछ रहे थे उस घर में कब जाओगे, उस घर में कब जाओगे, तो मैंने आप लोगों को बताया नवरात्रि में सोचा है, नवरात्रि की सोची है, नवरात्रि में जाएंगे उस घर में। और आप लोग पूछ रहे थे गांव से कौन आएगा, तो दोनों दीदियों, दोनों जी ससुराल से दोनों जिठानियों ने तो मना कर दिया है कि वो नहीं आ पाएंगी, और मुश्किल है कोई भी नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगा, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं आ पाएंगे, बड़ी दीदी ने भी मना कर दिया और उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं आ पाएंगे। अब देखो कौन कौन आ पाता है, कौन कौन नहीं आ पाता, जैसा है बात की थी कल, अब कल की परसों की थी, तो उन्होंने बोला नहीं आ पाएंगे, बिजी हैं, फ्री नहीं हैं। हमने बोला थोड़ा सा निकाल के टाइम आना, यही चीज़ें होती है। देखिए घर एक शादी कितने उससे बनाते हैं ना, कितना वो होता है, और फिर कोई शामिल ना हो तो बहुत बुरा लगता है, पर कोई नहीं क्या कर सकते हैं। तो फिर कल मैं घर पे गई नहीं थी अपने वाले पे, आज ये चले गए गाड़ी लेके काम पे, तो मैंने सोचा ही फैसला किया मैंने कि ये काम पे चले गए, इनको देख के, इनकी कल ये भागते हुए इधर गए मीटर के लिए उधर गए, तो इन्होंने खाना आना भी नहीं खाया, बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा है ये चले गए काम पर और मैं चली जाती हूँ घर पर, उस पर वहाँ पर गेट वेट लगेंगे तो वहाँ पे मैं देखती रहूँगी। तो बस जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा जाके ये थोड़ा ये बाहर का झाड़ू वाड़ू लगा दूँ, ये खाद झाड़ी है ना, तो इसमें से धूल मिट्टी निकली, इसको हटा के, और सोना और वंशिका को साथ में लेके जाऊँगी, वंशिका की छुट्टी लग गई, मोर खड़ा है, वंशिका की छुट्टी लग गई है, तो फिर ले जाऊँ, पर ना गर्मी है वहाँ पर, गोदी में लेके जाओ फिर थक जाते हैं, फिर ये लोग वहाँ पर जाके मिट्टी में खेलते हैं, उठ सकता है, तो वंशिका गई है नहाने। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा जब अपने ही खुशियों में शामिल नहीं होंगे तो होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, कुछ भी कर लो, यही मौका होता है ना। चलिए बाय।